हम लोग देख रहे थे माप और मापी यंत्र से, जो कि एएलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ट्रेड फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्निकल के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। यह जो है क्वेश्चन जो है आपको 100% जो है एग्जाम टेक्नीशियन में जो है क्रैक करने के लिए 100% गारंटी देता है। क्वेश्चन है, स्टील रूल पर हम छोटी से छोटी माप ले सकते हैं। क्वेश्चन है, स्टील रूल पर हम छोटी से छोटी माप ले सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.5 मिलीमीटर तक स्टील रूल पर छोटी से छोटी माप ले सकते हैं। स्टील रूल पर हम छोटी से छोटी 0.5 मिलीमीटर माप ले सकते हैं। 0.5 मिलीमीटर से छोटी हम माप ले सकते हैं स्टील रूल पर। यह पतला और चपटा रेखीय मापन यंत्र है। जो है पतला और चपटा रेखीय मापन यंत्र है। स्टील रूल को स्प्रिंग स्टील या स्टेन स्टील से बनाया जाता है। जो स्टील रूल होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। इसके द्वारा 0.5 मिलीमीटर परिशुद्धता तक रीडिंग होती है। इसमें जो है हम सबसे परिशुद्धता रीडिंग जो है परिशुद्ध रीडिंग हम जो है इसमें 0.5 मिलीमीटर तक ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। यह जो है ट्राई स्क्वायर से हम साइज लिया जाता है। कार ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से जो है हम ट्राई स्क्वायर की साइज ले सकते हैं। ट्राई स्क्वायर का साइज जो है ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राई स्क्वायर का साइज ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से लिया जाता है। ट्राई स्क्वायर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। ट्राई स्क्वायर जो है कैसा यंत्र है, यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसका प्रयोग सतह की समतलता जांचने के लिए किया जाता है। इससे जो है ट्राई स्क्वायर से हम जो है किसी फ्लैट सरफेस की जो है समतलता चेक करने के लिए किया जाता है। इसकी बनावट में एक स्टॉक और एक ब्लेड होता है। इसमें जो है एक स्टॉक लगा होता है या एक ब्लेड लगा होता है, या जो कि एल टाइप का होता है, इस तरीके से होता है। इसमें एक स्टॉक होता है और एक ब्लेड होता है। ब्लेड को स्टॉक के साथ समकोण में स्थित कर दिया जाता है। ब्लेड को जो है हम स्टार्क के साथ जो है 90 डिग्री पर हम इसको स्थित कर देते हैं, कर दिया जाता है। इसे एक समान कोण की कठोर की हुई इस्पात से बनाई जाती है। जो है किससे बनी होती है, कठोर की हुई इस्पात से यह बनी होती है, स्टील से बनी होती है। इसे इंजीनियर्स स्क्वायर भी कहते हैं। इसे हम जो है इंजीनियर्स स्क्वायर भी कहते हैं। ट्राई स्क्वायर को जो है हम इंजीनियर स्क्वायर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई स्क्वायर में स्टार्क पर ब्लेड के नीचे एक अंडाकार कट लगा होता है जिसका उद्देश्य है। ट्राई स्क्वायर के स्टार्क पर ब्लेड के नीचे एक अंडरकट लगा होता है, उस जिसका उद्देश्य होता है मशीनिंग में चाप के किनारों पर आई बर को स्थान देखने के लिए। इसमें जो है किसी जाप की जो हम फ्लैटनेस चेक करेंगे, 90 डिग्री पर चेक करेंगे, उसमें जो साइड में एंगल दिया रहेगा, बर दी रहेगी, उसी को क्या कहते हैं, स्थान देने के लिए हम जो है ट्राई स्क्वायर के स्टार्क और स्टार्क पर ब्लेड के नीचे एक अंडरकट स्थान लगा होता है। ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर ब्लेड के नीचे एक अंडरकट लगा होता है जिसका उद्देश्य मशीनिंग करने से जाप के किनारों में बर आ जाते हैं, बर को स्थान देने के लिए हम स्थान देते हैं। कार्यशाला में एक ट्राई स्क्वायर जब ज्यादा देर तक कार्य करता रहता है तो उसकी निश्चित ही यह समकोण के में अंतर भी आ जा सकता है। यह जो हम जब इसे ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम जो कार्यशाला में ज़्यादातर प्रयोग करेंगे तो इसके कोण में जो है अंतर भी आ जाता है। इसीलिए ट्राई स्क्वायर को स्क्वायर की समय समय पर जांच करते रहना आवश्यक है। जो है हम ट्राई स्क्वायर की जो है समय समय पर इसकी जाँच करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई स्क्वायर के द्वारा निम्नलिखित जाप की जांच किया जा सकता है। ट्राई स्क्वायर के द्वारा जाप में निम्नलिखित जांच की जा सकती है, किया जा सकता है। दो सत
तलों के मध्य 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री का कोण जो है दो तलों के मध्य जो है 90 डिग्री का कोण इसके द्वारा चेक किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ट्राई स्क्वायर के द्वारा जाब में दो तलों के मध्य 90 डिग्री की कोण की जांच किया जाता है। ट्राई स्क्वायर एक जांच करने वाला औजार है जिसकी सहायता से हम समकोण की परख करते हैं। क्या कहते हैं? इसके सहायता से जो हम समकोण की परख करते हैं। एक टर्नर फिटर तथा मशीनिस्ट आमतौर पर काम करते समय इसका प्रयोग करते हैं। जो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जो है टर्नर फिटर तथा मशीनिस्ट आमतौर पर काम करते हैं। इसके द्वारा सतह की समतलता भी जांच की जा सकती है। किसी चाप की जो है फ्लैटनेस भी इसके द्वारा चेक की जा सकती है। इसका प्रयोग चाप की चिन्हन करते समय समानांतर तथा लंबवत रेखा खींचने के लिए भी किया जाता है। इसमें जो है जा किसी जॉब में मार्किंग करने के लिए इसमें समानांतर तथा लंबवत रेखाएं खींचने के लिए भी इसका ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.01 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है? 0.01 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है? 10 माइक्रोन के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 0.1 जो है 100 माइक्रोन के बराबर होता है, 100 माइक्रोन के बराबर होता है। 0.1 मिलीमीटर में 10 माइक्रोन के बराबर होता है। इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। 1 म्यू बराबर 10^-6 मीटर, 1 म्यू बराबर 10^-3 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10^-10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 इसमें बराबर 10^-7 मिलीमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10^-4 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है? स्टील रूल जो है प्रत्यक्ष मापी औजार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टील रूल एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। यह जो है एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। माप लेने वाले औजारों के प्रकार निम्नलिखित हैं। प्रत्यक्ष मापी औजार जो है प्रत्यक्ष मापी औजार हैं स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर इत्यादि। अप्रत्यक्ष मापी औजार जैसे विभाजक, सतह गेज, कैलिपर्स इत्यादि। बिना रीडिंग वाले टूल जो है स्नैप गेज, प्लग गेज, रिंग गेज इत्यादि। समायोजित औजार जो है जैसे कैलिपर, सतह गेज, माइक्रोमीटर इत्यादि। वर्नियर वेबल प्रोट्रैक्टर का अल्पतमांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्नियर वेबल प्रोट्रैक्टर का अल्पतमांक होता है 5 मिनट जो है वर्नियर वेबल प्रोट्रैक्टर का अल्पतमांक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्नियर वेबल प्रोट्रैक्टर का अल्पतमांक 5 मिनट होता है। यह एक कोण मापने वाला सूक्ष्म मापी यंत्र है। जो वर्नियर वेबल प्रोट्रैक्टर जो है यह कोण मापने वाला एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसका प्रयोग किसी जाप की 5 मिनटों की परिशुद्धता में लेआउट या जांच करने के लिए किया जाता है। इसकी बनावट में एक ग्रेजुएटेड प्लेट के साथ एक स्थिर स्टॉक और एक समायोजित प्लेट होता है। डिस्क पर पूरी गोलाई में आगे और पीछे की ओर 0 डिग्री से 180 डिग्री के खाने बने होते हैं। इसमें इसे किसी भी वृत्त के चारों ओर और किसी भी कोण में घुमाया जा सकता है और किसी निश्चित स्थिति में नट के द्वारा क्लैंप किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ता है। क्वेश्चन है, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल जो है आगे बढ़ता है। 0.5 मिलीमीटर जो है एक चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मीट्रिक माइक्रोमीटर एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल जो है 0.5 मिलीमीटर जो है आगे बढ़ता है। माइक्रोमीटर में स्क्रू और नट के सिद्धांत पर काम करता है। माइक्रोमीटर जो है स्क्रू और नट के सिद्धांत पर काम करता है माइक्रोमीटर। मीट्रिक माइक्रोमीटर में स्पिंडल पर 0.5 मिलीमीटर पिच वाली चूड़ी होती है। जो है मीट्रिक माइक्रोमीटर में स्पिंडल पे जो है
0.5 मिलीमीटर वाली चूड़ी कटी होती है। इस प्रकार थिम्बल के एक चक्कर में स्पिंडल जो है 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। बैरल पर एक 25 मिलीमीटर लंबी डेटम रेखा बनी होती है। इस रेखा पर पूरे मिलीमीटर और आधे मिलीमीटर के निशान बने होते हैं। थिम्बल के बेवल एज की परिधि को 50 बराबर भागों में बांटा जाता है, इसीलिए थिम्बल के एक डिवीजन की गति 0.01 मिलीमीटर होती है। इस प्रकार आउटसाइड माइक्रोमीटर की यथार्थता 0.01 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है। क्वेश्चन है मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.01 मिलीमीटर जो है मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक इसका थोड़ा विस्तार देते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक जो है 0.01 मिलीमीटर होता है। मीटरी माइक्रोमीटर के स्लीव पर एक एक मिलीमीटर की दूरी पर 25 या आधा आधा मिलीमीटर की दूरी पर 50 निशान होते हैं जो है इसमें जो है एक एक मिलीमीटर पर 25 या आधा मिलीमीटर की दूरी पर 50 निशान अंकित होते हैं। स्लीव के अंदर तथा स्पिंडल पर एक मिलीमीटर पिच या आधा मिलीमीटर पिच की चूड़ियाँ कटी होती है। इसमें जो है स्पिंडल पर जो है इसमें जो है एक मिलीमीटर या आधी मिलीमीटर की जो है चूड़ियाँ कटी होती हैं। स्पिंडल के आगे लगे थिम्बल के अगले भाग को जो है 100 बराबर भागों या 50 बराबर भागों में बांटा गया है होता है। इस प्रकार थिम्बल के पूरे एक चक्कर में स्पिंडल जो है 1 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ता है जो है। अब यदि थिम्बल पर मात्र एक निशान लगाया जाए तो स्पिंडल जो है 1/100 मिलीमीटर या 0.5/50 मिलीमीटर चलेगा, अर्थात कुल जो है 1.100 मिलीमीटर या 0.01 मिलीमीटर जो है चलता है। यही माप उस माइक्रोमीटर की अल्पतम माप होती है या जो है माइक्रोमीटर की उस माइक्रोमीटर की जो है या अल्पतम माप होती है। माइक्रोमीटर की अल्पतमांक निकालने के लिए निम्न सूत्र, अल्पतमांक बराबर स्पिंडल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी जो है अल्पतमांक। माइक्रोमीटर का जब हम अल्पतमांक निकालेंगे इसके जो होता है सो फार्मूला होता है स्पिंडल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी या पिच थिम्बल पर बने कुल भागों की संख्या, जैसे 1/2 मिलीमीटर अपान 100 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर 50 1/100 हो जाएगा, इसको जो है 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है यूनिवर्सल वेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है। क्वेश्चन है यूनिवर्सल वेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मिनट जो है यूनिवर्सल वेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल वेवल प्रोटेक्टर की अल्पतमांक जो है 5 मिनट होती है। यूनिवर्सल वेवल प्रोटेक्टर के 3 महत्वपूर्ण लक्षण हैं। इसमें जो है यूनिवर्सल वेवल प्रोटेक्टर के जो है 3 लक्षण होते हैं। यह न्यूनतम रीडिंग 5 मिनट होती है। इसमें जो है यूनिवर्सल वेवल प्रोटेक्टर के द्वारा हम जो है न्यूनतम रीडिंग जो है 5 मिनट तक कर सकते हैं। परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए ब्लेड की फाइन समायोजन की जा सकती है। ब्लेड की जो है परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जो है ब्लेड की हम फाइन समायोजन की जा सकती है। 0.3 है, इसके साथ एक हाइट गेज लगा होता है। यूनिवर्सल वेवल प्रोटेक्टर के साथ जो है एक हाइट गेज लगा होता है। वर्नियर डेप्थ गेज की अल्पतमांक होती है। क्वेश्चन है वर्नियर डेप्थ गेज की अल्पतमांक होती है 0.02 मिलीमीटर जो है वर्नियर डेप्थ गेज की अल्पतमांक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.02 मिलीमीटर जो है वर्नियर डेप्थ गेज की अल्पतमांक होती है। इसका थोड़ा विस्तार देखते हैं। वर्नियर डेप्थ गेज की अल्पतमांक जो है 0.02 मिलीमीटर होती है। वर्नियर डेप्थ गेज एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। वर्नियर डेप्थ गेज जो है एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसका प्रयोग छिद्र खांचे या स्लाटों की 0.02 मिलीमीटर की परिशुद्धता में गहराई में माप लेने के लिए किया जाता है। वर्नियर डेप्थ गेज की जो है यह
प्रयोग जो है छिद्र खांचे या स्लॉट स्टेपों पर 0.02 मिलीमीटर की परिशुद्धता की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इसके बनावट में निम्नलिखित होते हैं, जैसे पॉइंट आधार, ग्रेजुएटेड ग्रेजुएटिंग बीम, क्लैंपिंग स्क्रू, फाइन समायोजन यंत्रावली, वर्नियर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्नियर हाइट गेज की अल्पतमांक होती है। क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज की अल्पतमांक होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.02 मिलीमीटर जो है वर्नियर हाइट गेज की अल्पतमांक होती है। वर्नियर हाइट गेज की अल्पतमांक जो है 0.02 मिलीमीटर होती है, इसका थोड़ा विस्तार देखते हैं। वर्नियर हाइट गेज में वर्नियर हाइट गेज की अल्पतमांक जो है 0.02 मिलीमीटर होती है, यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। यह जो वर्नियर हाइट गेज जो है एक प्रकार का सूक्ष्म मापी यंत्र है, जिसका प्रयोग भागों की ऊंचाई की माप लेने के लिए किया जाता है, जो है भागों की ऊंचाई में माप लेने के लिए किया जाता है। इसकी बनावट में कठोर किया हुआ इस्पात का एक ऊर्ध्वाधर कालम होता है, इसमें जो है इस्पात का एक जो है ऊर्ध्वाधर कालम होता है, जिसे स्टील के बने एक भारी आधार पर फिट किया जाता है, जो है इसमें जो है स्टील के भारी आधार पर फिट किया जाता है। कालम पर मेन स्केल होता है, इसके जो है वर्नियर हाइट गेज के जो है कालम पर इसमें मेन स्केल होता है। मेन स्केल पर एक सरकने वाला लॉक होता है, ब्लॉक होता है, इसमें जो है मेन स्केल पर एक सरकने वाला ब्लॉक होता है, जिस पर वर्नियर स्केल बना होता है। इसमें क्या कहते हैं, जो स्लाइडिंग भाग होता है उसमें जो है वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल की ग्रेजुएशन है सेंटीमीटर में होती है, जो है मेन स्केल की जो है ग्रेजुएशन जो है सेंटीमीटर में होती है। एक सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिससे यह भाग 1/2 मिलीमीटर का हो जाता है। मेन स्केल के बराबर भागों या 12 मिलीमीटर को 25 भागों में बांटकर वर्नियर स्केल जो है बनाया जाता है। प्रत्येक वर्नियर का भाग जो है 12/25 मिलीमीटर या अर्थात 0.48 मिलीमीटर होता है। यह जो है मुख्य स्केल का प्रत्येक छोटा डिवीजन जो है 1/2 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर होता है। अल्पतमांक जो है एक मेन डिवीजन माइनस एक वर्नियर डिवीजन जो है 0.5 माइनस 0.48 जो है 0.02 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेआउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाता है, करना चाहिए। क्वेश्चन है, लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाता है। सतह प्लेट पर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करना चाहिए। यह जो सतह प्लेट पर जो है वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं। लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज को जो है सतह प्लेट पर प्रयोग करना चाहिए। चिन्ह करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह चिन्ह सतह प्लेट पर रखी प्लेट पर की जाए। आप सेट स्क्राइबर को सेट करने के पश्चात सरकने वाले झबड़े को नीचे लगाकर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन से मिला लेना चाहिए। इस सेटिंग पर ऑफसेट स्क्राइबर की पेंटी सतह प्लेट में से मिल जाती है। अगर स्ट्रेट स्क्राइबर होगा तो वह किसी निश्चित ऊंचाई तक रुक जाएगा। यह जो किसी निश्चित ऊंचाई तक जो है रुक जाएगा और सतह प्लेट से नहीं मिलेगा, जो सतह प्लेट से इसका जो है नहीं मिलेगा। माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ जो है सहायक होता है। क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ सहायक होता है। दाब को निश्चित करने के लिए जो है माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ जो है सहायक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ सहायक होता है। दाब को नियंत्रित करने के लिए जो है रैचेट स्टाफ सहायक होता है। माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ का प्रयोग दाब को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी भी माप को जो है माइक्रोमीटर से नापते हैं, उसमें जो है रैचेट स्टाफ जो है दाब को जो है नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। हत्थे
रैचेट स्टाफ पर हत्थे के अंत में लगा होता है, जो हत्था होता है जिससे जिसमें माइक्रोमीटर पकड़ते हैं, उसके बाहर जो है अंत में जो है रैचेट स्टाफ लगा होता है, जो मापन की जरूरत वाली वस्तु पर निश्चित दाब लगाता है, जो है जो जिस जाप को जो हम नापेंगे उसमें जो है निश्चित दाब लगाया गया, उससे अधिक दाब लगाने पर यह फ्री हो जाता है, अगर उससे दाब ज़्यादा हम दाब लगाएंगे यह जो है फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की रेखी गति को पॉइंटर की घूर्णी गति में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्रावली प्रयोग किया जाता है। जो डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की रेखी गति को पॉइंटर की घूर्णी गति में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से यंत्रावली प्रयोग किया जाता है, कौन सी यंत्रावली जो है प्रयोग की जाती है, रैक तथा पिनियन यंत्रावली जो है प्रयोग की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैक तथा पिनियन यंत्रावली जो है प्रयोग की जाती है। डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की रेखी गति को पॉइंटर की घूर्णी गति में बदलने के लिए रैक तथा पिनियन यंत्रावली का प्रयोग जो है हम करते हैं, इसको जो है रैक तथा पिनियन यंत्रावली का जो है प्रयोग करते हैं, प्रयोग में ला जाता है। इससे जब प्लंजर चलता है तो उसके साइड पर कटे रैक से जुड़ा पिनियन भी घूमने लगता है। इसमें जो है स्लाइड पर जो कटे रैक से जुड़ा होता है उसमें जो है जुड़ा हुआ पिनियन भी घूमने लगता है। गियर्स की एक ट्रेन के द्वारा पॉइंटर की स्पिंडल पिनियन के स्पिंडल के साथ जो है जुड़ा हुआ होता है, जिससे पॉइंटर भी डायल पर घूमने लगता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर की अल्पतमांक जो है 0.01 मिलीमीटर होती है। डायल टेस्ट इंडिकेटर की अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर की अल्पतमांक होती है 0.02 मिलीमीटर जो है वर्नियर कैलिपर की अल्पतमांक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्नियर कैलिपर की, इसका थोड़ा विस्तार देखते हैं, वर्नियर कैलिपर की अल्पतमांक जो है 0.02 मिलीमीटर होती है। जब स्टील रूल की अपेक्षा अधिक और माइक्रोमीटर की अपेक्षा कम परिशुद्धता में माप लेनी होती है तो वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग 0.02 मिलीमीटर की परिशुद्धता में माप लेने के लिए किया जाता है। इसकी बनावट में स्थिर तथा गतिमान जा होते हैं। जो वर्नियर कैलिपर होते हैं इसमें दो जा होते हैं, एक स्थिर जा होता है, एक गतिमान जा होता है। मेन स्केल वर्नियर स्केल, इसमें दो स्केल होती है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, क्लैंप स्क्रू आदि होते हैं। इसमें जो है क्लैंप स्क्रू भी होता है। इसके मेन स्केल पर प्रत्येक बड़ा डिवीजन 1 मिलीमीटर होता है और छोटा डिवीजन जो है 0.5 मिलीमीटर होता है। वर्नियर स्केल पर 25 डिवीजन मेन स्केल के 24 डिवीजनों का के बराबर भाग होते हैं, इसीलिए प्रत्येक वर्नियर डिवीजन की लंबाई जो है 0.5 का 24/25 या 0.48 मिलीमीटर होता है, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन जो है 0.5 मिलीमीटर के होते हैं, जो है मेन स्केल डिवीजन जो है 0.5 मिलीमीटर का होता है, इसीलिए अंतर 0.5 माइनस 0.48 या बराबर 0.02 मिलीमीटर जो है वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम अल्पतमांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल की 39 मिलीमीटर की दूरी को वर्नियर स्केल के 20 बराबर भागों में बांटा गया, इस वर्नियर कैलिपर की अल्पतमांक होगी 0.2 मिलीमीटर जो है इसकी अल्पतमांक होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.2 मिलीमीटर होती है। इस वर्नियर कैलिपर के स्केल का एक भाग मेन स्केल के दो भागों में के लगभग बराबर होता है। इसका जो है एक भाग जो है वर्नियर कैलिपर के एक भाग का मान मेन स्केल के जो है दो भागों के मान के बराबर होता है। मेन स्केल के दो भागों का मान 2 मिलीमीटर है तथा वर्नियर स्केल के 20 भागों का मान जो है 39 मिलीमीटर है। वर्नियर के एक भाग का मान 39/20 मिलीमीटर हो जाता है, अल्पतमांक हो जाए। मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान, इसमें जो है 2 माइनस
39 अपान 20 हो जाएगा, तो ये जो है 40 अपान 39 हो जाएगा अपान 20, 1 अपान 20 हो जाएगा, इसका यार 0.05 मिलीमीटर 0.05 मिलीमीटर हो जाएगा। इसको जो है हम नीचे सूत्र द्वारा दिखाएगा, अल्पतमांक हो जाएगा मेन स्केल के एक भाग का मान अपान वर्नियर स्केल के कुल भागों का मान 1/20 अपान 0.05 मिलीमीटर हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए।